वेरी बॉम वेलकम टू वन ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप सब जल्दी से मुझे बताएं एम आई ऑडिबल बताएल क्या मैं आप सभी को प्रॉपर रूप से सुनाई और दिखाई दे रही हूँ जल्दी से मुझे कन्फर्म करें ताकि आज का जो सेशन है उसको हम स्टार्ट कर सके वेरी बॉम वेलकम ऑल ऑफ यू सो एक बहुत ही प्यारे से मोटिवेशनल कोड के साथ आज के सेशन के स्टार्टिंग करते हैं वो प्यारा सा मोटिवेशनल कोड क्या है कि आपको मीन्स इंस्पायरेशन जो होती है ना विद इन योर सेल्फ ठीक है जो आपकी इंस्पायरेशन होती है वो आपके अंदर से आती है तो हमें क्या करना चाहिए हमें हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे ना सो so, सारी चीजें जो होंगी वो आपके साथ पॉजिटिव ही होंगी अच्छी होंगी जैसे आप सकारात्मक रहते हो ना तो आपके आसपास की सारी चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो आपको क्या करना है आपको हमेशा पॉजिटिव रहनी है खुश रहना है और अपने गोल की तैयारी करते रहना है ठीक है सो so, ये बहुत ही प्यारा सा बैच है अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो ओनली टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन में आप परचेज कर सकते हो जिसमें कंप्लीट पेपर वन आपको पढ़ाया जाएगा साथ साथ आपको होम साइंस भी पढ़ाया जाएगा कंप्लीट अगर आप सिंगल सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन पे करके होम साइंस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या फिर आप सिंगल पेपर वन का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इट अप टू यू कि आप कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अच्छा कल हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी जो आपका टेक्सटाइल था उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ठीक है कि जो फाइबर्स होते हैं वो आपको उसको कितने भागों में क्लासिफाई किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो कल का वीडियो ठीक है काफी इंपॉर्टेंट था हेलो ऑल ऑफ यू हेलो सो so, फाइबर्स जैसे हम सब जानते हैं जो आपके नेचुरल फाइबर प्लांट फाइबर और जो मिनरल फाइबर मिनरल फाइबर हम प्रिफर नहीं करते क्योंकि ये आपके इन्वामेंट में बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं ठीक है जो मिनरल से फाइबर एमिट होता है वो आपके एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा नुकसान कॉज करता है जैसे एविस्टोसिस ठीक है ये बहुत छोटे से आपके मीन्स पतले से कह सकते हैं कि मिनरल uh, से एमिट होता है तो ये सॉफ्ट लाइक टिश्यू होता है सॉफ्ट जैसा

कि जो फाइबर मीन्स की जिनका जो शेप होता है ठीक है वो शॉर्ट होता है जिनकी जो लेंथ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है स्टेपल फाइबर्स ठीक है इसमें हम क्या करते हैं फाइबर को कनेक्ट कर करके बनाते जाते हैं इस तरह से आप क्या करते हो फाइबर को जोड़ते जोड़ते एक लंबा फाइबर जो है वो तैयार करते हो उसको स्टेपल फाइबर बोलते फिलामेंट्स फाइबर वो होते हैं जिनकी लेंथ ऑलरेडी आपकी बहुत लंबी होती है ठीक है इनको हम क्या करते हैं एसिडीज यूज कर लेते हैं धागा बनाने के लिए जो भी आप कह सकते हो फैब्रिक बनाते हैं हम ठीक है फैब्रिक के लिए एसिटीज हम क्या करते हैं इसको यूज कर लेते हैं बट जो स्टेपल फाइबर्स होते हैं इसको फैब्रिक के लिए एसिटीज नहीं यूज किया जाता है इसको ट्विस्ट करके ठीक है एक दूसरे से जोड़ के आप क्या करते हो पहले लंबा करते हो उसके बाद फैब्रिक के लिए यूज करते हैं इसमें ठीक है तो इन दोनों में यही डिफरेंस होता है और आपका कल मैंने आपको बताया था कि जो भी प्लांट से आपके फाइबर्स निकलते हैं वो सेल्युलोस फाइबर होते हैं और जो आपके एनिमल्स निकलते हैं वो आपके प्रोटीन फाइबर होते हैं कल की क्लास में मैंने बताया था जो मिनरल से निकलते हैं उसे मिनरल फाइबर बोलते हैं और जो केमिकल से बनाए जाते हैं लैब में बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं जैसे हम लैब में बनाते हैं ना बहुत सारे केमिकल ऐड करके इस तरीके से वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स फाइबर्स को कितने भागों में ठीक है मीन्स की आप करते हो तो हम जानते हैं कि जैसे कि आपका कॉटन कॉटन जो होता है जैसे उसको कपास बोलते हैं और कपास को हम जो है वो राजा कंसीडर करते हैं जैसे आप देखते हो ना सब्जियों का राजा आलू ठीक है फलों का राजा कौन है कोई बता सकता है फलों में जो राजा है वो कौन है हर चीज का एक राजा होता है आप सब्जियों में भी करते हो वेजिटेबल्स में भी करते हो फ्रूट्स में भी राजा ठीक है राजा रानी बना देते हो सबको तो ये जो कपास है ना ये जो फाइबर है ठीक है इसमें भी हम क्या करते हैं राजा बना देते हैं किसको राजा बना देते हैं जो कॉटन है ठीक है कॉटन को हम क्या कहते हैं ये राजा है तो कॉटन जो होता है वो आपका बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म होता है किसका प्योरेस्ट फॉर्म होता है जो आपका सेलुलोज होता है ठीक है हम सब जानते हैं जो प्लांट से जो चीज़ें जो फाइबर मिलती है वो सेलुलोस फाइबर होता है तो ये बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म होता है सेल्युलोज का जैसे हम सब जानते हैं कोई भी जो आपके जिन्सेस हो गए ठीक है जो आपका गोसिपिम आपके जो प्लांट हो गए ठीक है इनके जो बीज से ये जो प्रजाति होती है पौधे की इनके जो बीज के बाल होते हैं इनसे आपका कॉटन जो होता है वो निकलता है ये याद रखना इनके जो बीज के बाल होते हैं उनसे जो आपको कॉटन निकलता है जिसको नेचुरल बोलते हैं और जिसको स्टेपल फाइबर बोलते हैं स्टेपल फाइबर मैंने बताया था ना आपको कि इसकी लेंथ जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है और इसमें हम क्या करते हैं ऐड करते जाते हैं आप देखते हो ना रुई कितनी छोटी लेंथ होती है आप उसमें ऐड करते जाते हो ना तब वो बड़ी बाती बनती है इस तरीके से तो इसमें हम ऐड करके तब इसको यूज करते हैं फैब्रिक के लिए इस तरीके से स्टेपल फाइबर वही होते हैं तो ये कॉटन स्टेपल फाइबर में आता है अब इसका कल्टीवेशन कैसे करते हैं खेती कैसे करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है खेती आप ऐसे करते हो कि जैसे हम देखते हैं कि जो प्रत्येक आपका कपास के बीज होते हैं ना कपास के बीस हजार जो आपके रेसे निकल के आते हैं प्रत्येक जो बीज होते हैं आपके कपास के कॉटन के जो सीड्स होते हैं उससे बीस हजार जो फैब्रिक होते हैं वो निकल के आते हैं आपके फाइबर्स निकल के आते हैं और जब ये बीज क्या होते हैं पूरी तरह से पक जाते हैं जो हम देखते हैं ना कि जो आपके बीज होते हैं वो पूरी तरह से पक जाते हैं तो इसमें से ये फूट जाती है इनकी जो फलियां होती है ना वो बहुत ही फूट जाती है ऐसे चिटक जाती है आप देखते हो ना जो पेड़ आपका फल ज्यादा पक जाता है तो वो क्या होता है चिटक जाता है बीज से तो इसी तरह से ये जो फलियां होती पूरी तरह से जब पक जाती है तो आप देख पा रहे हो इसमें ये क्या होती है फूट जाती है तो फूट जाती हैं जब ये फलियां तो इनसे जो बाल लाइक -like निकलता है बाल के जैसा आपका रेसे जैसा निकलता है कपास ठीक है सफेद फूला हुआ निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं उसको बॉल बोलते हैं जो पदार्थ निकलता है सफेद कलर का उसको क्या बोलते हैं बॉल बोलते हैं ठीक है थीके? और वही आपका कॉटन बनता है अच्छा हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं इसे मीन्स की इसको हार्वेस्टिंग हम क्या करते हैं जो इतने भी पके हुए आपके रेशे होते हैं इसको मशीनों से तोड़ते हैं और मोस्ट ऑफ द कभी कभी हम खुद ही जाके बागवान से ले आते हैं ठीक है आपने देखा होगा बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं बगीचों में और वो खुद से हैंड पिकिंग करते हैं ना अपने हाथ से भी तोड़ लेते हैं और मशीन भी कहीं कहीं यूज की जाती है अब बात करते हैं जो आपका ओटाई होती है वो क्या होते है मतलब ग्रीनिंग कैसे की जाती है तो इकट्ठा करने के बाद जो भी हमने क्या किया हमने कॉटन को इकट्ठा किया ठीक है जो भी रेसे हुए उसके बाद उसमें से हम बीज अलग कर लेते हैं जो बीज होता है सीड्स अलग कर लेते हैं और जो रेसा होता है उसको अलग कर लेते हैं जो फाइबर होते हैं उसको अलग कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं गीनिंग बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं ओटाई बोलते हैं समझ में आया क्या बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इसको याद रखना वेरी गुड शीलू ठीक so, है जो मीन्स कि आपका सपरेट हो जाता है सीड से इसको लिंट भी बोलते हैं जो आपके फाइबर्स क्या होते हैं बीज से अलग हो गए उसको क्या बोलते हैं लिंट भी बोलते हैं और नॉर्मली हम सब जानते हैं जो लिंट होते हैं वो आपके बहुत ही छोटे होते हैं शॉर्ट होते हैं और वो रोएदार होते हैं ठीक है जैसे जो आपका फाइबर था उससे मीन्स कि जो आपका फाइबर अल, अलग हुआ जो सीड से उसको लिंट बोलते हैं ठीक है और वो बहुत ही छोटे होते हैं शॉर्ट होते हैं बाल के जैसे होते हैं एकदम हेयर जैसे पतले होते हैं और आप कह सकते हो कि उस तरह से रेनिंग जो गेनिंग जो होती है वो की जाती है गेनिंग मैंने बताई थी ना कि क्या होती है इसमें हम क्या करते हैं बीज को अलग करते हैं और जो रेसा होता है उसको अलग करते हैं ठीक है ये आपकी होती है फाइबर्स को हम निकाल लेते हैं अब जैसे कि हम सब जो उसमें बच गया जो आपका मीन्स की क्या होता है कि हमने क्या किया गिंग किया तो उसमें कुछ तो बच जाते हैं ना आपके फाइबर्स कुछ बहुत छोटे छोटे बच जाते हैं उसको हम फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं कभी आपने देखा होगा ना फोटोग्राफी में भी उड़ाते हुए बादल जैसा काम करता है ये रुई के फाइबर्स जो बच जाते हैं थोड़े बहुत बीज में तो उसको हम फोटोग्राफी फिल्म विस्कस के रूप में यूज करते हैं इस तरीके से ठीक है उसको बालिंग बोलते हैं फिर उसके बाद जो आपका बैलिंग हो गया ये क्या होता है ये मीन्स की बिनने के बाद हमने बीज ठीक है और उसके बाद फाइबर्स को अलग करने के बाद हम क्या करते हैं हम मैन्युफैक्चर के लिए फैक्ट्री में दे देते हैं फैक्ट्री में हम क्यों देते हैं क्योंकि जब हम फैक्ट्री में देंगे तभी तो वहां पे धागा बनेगा ना इन फाइबर से पहले तो चरखे से हम घरी में बना लेते थे मतलब जो आपकी कॉटन होती थी उससे हम क्या करते थे घरी में बना लेते थे, थे चरखे से ऐसे करके अब बट अब हम क्या करते हैं मैन्युफैक्चर के लिए फैक्ट्रीज में दे देते हैं तो वहां से धागे का निर्माण होता है ठीक है आपका धागा बनता है अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है हर चीज की प्रॉपर्टीज होती है तो कॉटन की भी प्रॉपर्टीज होगी तो स्ट्रेंथ क्या होता है सबसे पहले किसी की ताकत के बारे में बात करते हैं। तो कॉटन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है कि जो मीन्स खासियत होती है वो क्या होती है आपकी कि ये जो डेंसर होता है थ्री पॉइंट जीरो से लेके आपका फाइव पॉइंट जीरो ग्राम ठीक है ये आपका क्या होता है डेंसर होता है ये जो कॉटन को माना जाता है कॉटन फाइबर ठीक है और इसके अंदर जो मीन स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ होती है वो गीले होने के बाद आती इंक्रीज होती है जब ये वेट हो जाता है ठीक है जो आपका फाइबर होता है ये जो वेट हो जाता है गीला हो जाता है तब इसके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज होती है और इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो आपकी एक से आप मान लो एक ठीक है जब ये सूख जाता है ठीक है तो इसका रिड्यूस मीन्स इसका वेट आपको देखने को मिलता है कि 110 से 120 के बराबर ताकत आपको दिखती है ठीक है तो इतनी देखने को मिलती है और कपास के जो रेसे होते हैं जो कपास के आपके रेसे होते हैं हम सब जानते हैं कि ये जो होते हैं व्रिंकिल आसानी से हो जाते हैं मतलब इसमें सिकुड़न बहुत आसानी से आ जाती है आप देखो कोई कॉटन का कपड़ा लो और उसको धुल दो आप यूज कर सकते हो क्या बिना प्रेस किए नहीं यूज कर सकते ना जब तक आप उसको प्रेस नहीं करोगे आप यूज ही नहीं कर पाओगे क्यों क्योंकि उसमें बहुत सिकुड़न आ जाती है बहुत जल्दी वो सिकुड़ जाता है झुर्रीदार हो जाता है उसके अंदर ठीक है ये चीजें देखने को मिलती है तो उसके बाद जैसे कि हम क्या करते हैं उसको बिना प्रेस किए अगर आप वापस से उसका स्ट्रक्चर चाहते हो तो आप क्या करते हो उसको प्रेस करते हो ठीक है प्रेस से से क्या होता है है कि उसकी जो झुर्री होती है वो पूरी तरह चली जाती है कपास जो होता है वो आपका हाइड्रोफिलिक फाइबर होता है हाइड्रोफिलिक फाइबर फाइबर क्यों होता है कोई बता सकता है मुझे जो कपास होता है वो आपका हाइड्रोफिलिक फाइबर क्यों होता है एनी हाइड्रोफिलिक फाइबर क्यों होता है क्लियर नहीं दिख रहा है अच्छा कल से मैं थोड़ा सा स्लाइड बड़ा रखूंगी ताकि आपको अच्छे से दिखे अच्छा फाइबर जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक क्यों होते हैं जो मीन्स कि आपके कॉटन होते हैं क्योंकि इसमें जो पानी की एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती, होती है वो ज्यादा होती है ठीक है ये आपके पानी को कह सकते हैं एब्जॉर्ब कर लेता है हाइड्रोफिलिक इसीलिए जैसे आप गर्मियों में देखते हो ना कि आप क्या पहनते हो आप गर्मियों में जैसे कॉटन के कपड़े इसीलिए तो पहनते हो ना ताकि वो जितना भी पसीना हो उसको एब्जॉर्ब कर ले ठीक है और इसीलिए हम क्या करते हैं कॉटन पहनते हैं इसीलिए इसमें जो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज होती है वो ज्यादा होती है ठीक है हाँ नमी के कारण वेरी गुड सीलू नमी के कारण और थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं जो कॉटन होता है कॉटन का फैब्रिक होता है ये गुड कंडक्टर टू हीट होता है हीट के लिए ये बहुत ही अच्छा कर सकते हैं कंडक्टर होता है ठीक है जैसे आपका मीन्स रिगार्डिंग अ कूल फाइबर हम सब मानते हैं जो फाइबर होता है वो गुड कंडक्टर अगर आप क्या करते हो कॉटन को जला देते हो तो ये पूरी तरह से जल के इतनी सी राख बचेगी आप ठीक है आप क्या करते हो एक कपड़ा अगर कॉटन का पेवर कॉटन है उसे आप जला देते हो तो सिर्फ जो है वो थोड़ी सी आप में राख बचेगी क्योंकि ये गुड कंडक्टर जो होता है वो हीट के लिए होता है नॉर्मली हम सब जानते हैं जो आपके कॉटन होते हैं वो सेल्यूलोस फाइबर से मिलके बने होते हैं ठीक है सेल्युलोस फाइबर के कारण से होने से ये पिघलता नहीं है ये मेल्ट नहीं होता है जैसे और सारे कपड़े क्या होते हैं बहुत सारे कपड़े आप देखते हो कि मेल्ट होके गिरने लगते हैं ना आप किसी कपड़े को जलाओ और वो मेल्ट होके ऐसे गिरने लगता है बट ये कॉटन कभी भी मेल्ट होके नहीं गिरता आप इनको जलाओगे कॉटन के कपड़े ना तो एकदम राख बहुत तेजी से जलेगा और एकदम राख आपको देखने को मिलेगी ठीक है है क्योंकि इसमें फाइबर आपका पाया जाता है। और हाई टेम्परेचर जैसे हम मानते हैं 250 डिग्री सेल्सियस पे देखने को मिलता है ठीक है और आयरन इसको सेफली करना होता है क्योंकि ये बर्न होने के चांसेस जो होते हैं वो जल्दी होते हैं कॉटन जो फाइबर होता है वो बर्न बहुत स्लो होता है इन अ फ्लेम ठीक है बहुत ही स्लोली आपका बर्न होता है जो आपके कॉटन के कपड़े होते हैं बहुत धीरे धीरे जलते हैं ठीक है लो से हटाने के बाद जैसे आप क्या करोगे तब भी वो जलता ही रहता है क्यों क्योंकि इसमें जो फ्लेम का कह सकते हैं सपोर्ट करता है वो बहुत ज्यादा करता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है हीट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है इसीलिए ये जलता रहता है ठीक है और इसमें कह सकते हैं गिव अ पेपर स्मेल पेपर लाइक स्मेल आती है आपको ठीक है पफी ऐश मीन्स की ऐश आपको देखने को मिलता है राख देखने को मिलती है आपको बहुत थोड़े अमाउंट में ये जल के इस तरीके से अब बात करते हैं कि कुछ इसकी मतलब गुणवत्ता के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं तो इफेक्ट मीन सनलाइट सनलाइट के, के प्रकाश में इसका प्रभाव क्या होता है तो जैसे हम सब जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में अगर हम लंबे समय तक रहते हैं ठीक है तो कपास जो होता है वो क्या होता है कि आपका पीला होकर बिखर जाता है जो मीन्स जैसे कि आपका कॉटन हो गया अगर ये सूरज के प्रकाश में ज्यादा समय तक रहेगा ठीक है पकने के बाद ये आपका ज्यादा समय तक रहता है तो ये क्या होता है ये येल्लो कलर में टर्न होने लगता है मीन्स ये आपका येलो कलर में टर्न होने लगता है और प्रेजेंस ऑफ डाई फिनिशिंग एजेंट जो आपके पल्यूटेंट आगे वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसकी जो गुणवत्ता होती है वो खराब हो जाती है क्योंकि आसपास आपके एयर में पल्यूटेंट भी होते हैं ना और आप कह सकते हो डाई वगैरह भी देखने को मिलती है तो उससे उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है इसलिए जैसे ही ये पकता है इसको क्या करने लगते हैं पिकअप करने लगते हैं मतलब तोड़ने लगते हैं ठीक है क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में अगर ज्यादा समय तक रहा है येल्लो कलर में हो जाएगा आपका व्हाइट कलर और नुकसान हो जाएगा बिल्कुल कागज की तरह इसकी जो गंध होती है वो कागज की तरह होती है वेरी गुड शीलू इस तरह से समझ में आया ना अगर ये ज्यादा समय तक सनलाइट के प्रेजेंस में रहेगा तो आपका येलो कलर में टर्न हो जाता है और आसपास के जो पल्यूटेंट होते हैं वो क्या करते हैं इसको नुकसान कर देते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं गिरावट आ जाती है इसमें कॉटन में कपास में अगर धूप में ज्यादा समय तक रहता है और जब फफूंदी भी लगती है जो कॉटन के कपड़े होते हैं उसमें आपको फफूंदी भी देखने को मिलती है फफूंदी जानते हो ना क्या होता है जितने भी आप, जैसे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जल्दी लग जाते हैं कॉटन के कपड़ों पे आप देखो कि जो कॉटन का कपड़ा होता है वो बैक्टीरिया और फंगी से जल्दी अफेक्ट हो जाता है जो बैक्टीरिया होते हैं और फंगी होते हैं वो जल्दी प्रभावित कर देते हैं आपके कॉटन के कपड़े को बहुत समय तक आप किसी कॉटन कपड़े को ऐसी जगह पे रख दो आप देखो उसमें बैक्टीरिया और फपूती देखने को मिल जाएगा बहुत आसानी से बट अगर आप इसको बॉयल कर देते हो कॉटन के कपड़े को क्या करते हो आप बॉयल कर देते हो ठीक है सेफली तो इससे रिमूव हो जाता है माइक्रो ऑर्गनिज्म इतने भी होते हैं आपके रिमूव हो जाते हैं हट जाते हैं ठीक है और हम सब जानते हैं कि अगर आप इसे बॉईल कर देते हो उबाल देते हो तो इसकी नमी भी दूर हो जाती है कपड़े के जो फफूदी होते हैं और धब्बे हो जाते हैं उनसे भी बचाया जा सकता है कपड़ों पे धब्बे नहीं पड़ते हैं फिर बात करते हैं कि जो मिस की पतंगों का प्रभाव क्या होता है जो मौत होते हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है हम सब जानते हैं कि जो पतंगे होते हैं या फिर भिंग कपास होते हैं ठीक है ये क्या करते हैं अफेक्ट कर देते हैं आपके कॉटन को कॉटन को डैमेज कर देते हैं खराब कर देते हैं या फिर जो शिल्वर फिश हो गई ये भी नुकसान पहुंचाती है कॉटन को ये ईट कर लेती है कॉटन को खाती है जो कॉटन सेलुलोस हो गया ना उसको खा लेती है और आपके कॉटन को नुकसान पहुंचा देती है इस तरह से जैसे आपका कॉटन लगा हुआ है कपास की खेती हुई है किसी ने किया है और वहां पे अगर ये सब पहुंच गई तो इनकी तो दावत हो जाती है वहां पे अब बात करते हैं जैसे कि हम सब इफेक्ट ऑफ परसेप्शन मीन्स पसीने का प्रभाव क्या होता है तो कपास हम सब जानते हैं कि पसीने से प्रभावित नहीं होता है अगर इसका इस्तेमाल ठीक है किए जाने वाले रंग तेज ना हो जैसे कि अगर मतलब हम कॉटन के कपड़ों को डार्क कलर में ना डाई करें तो ये जो होता है ये आपका मीन्स पसीने से कोई प्रभावित नहीं होता तभी तो आप विंटर्स में क्या करते सॉरी विंटर्स समर में क्या पहनते हो समर में हम क्या पहनते हैं कॉटन प्रेफर करते हैं समर सीजन में गर्मियों में हम कॉटन पहनते हैं बट हम लाइट कलर प्रिफर करते हैं चटक कलर नहीं चटक कलर क्यों नहीं प्रेफर करते हैं क्योंकि जो आपके डार्क कलर होते हैं वो सनलाइट को ज्यादा खींचते हैं अपने पास ज्यादा खींचते हैं तो इसमें सेम बात कही गई है कि आपका पसीने का प्रभाव तब होता है ठीक है उससे कोई प्रभावित नहीं होता आपका कपास क्यों नहीं प्रभावित होता है अगर कह सकते हैं क्योंकि वो आपका लाइट इन कलर हो और उसके बाद ये जो मीनस हाइड्रोफिलिक होता है वाटर को एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छी होती है जो आपके बॉडी के अंदर पसीना होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ये कॉटन और बस आप चटक कलर मत पहन के जाओ ऐसा नहीं कि आप ब्लैक कलर पहन के चले गए ठीक है और ब्लैक कलर तो जानते ही हो सूर्य की किरण बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और जितना आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं करेगा जितना कपास उतना तो वो पसीना आपका एमिट होगा अब चलो बात कर लेते हैं क्वीन की हमने किंग की बात की ना कि जो कॉटन था आपका वो किंग था ठीक है वो राजा था अब रानी की बात कर ले ऐसा तो हो ना कि राजा की बात करें और रानी की बात ना करें ठीक है वरना रानी बुरा मान जाएगी तो रानी जो थी ठीक है वो मीन्स की सिल्क सिल्क जो होता है वो प्रोटीन फाइबर होता है वो कौन सा फाइबर था वो सेल्युलोज फाइबर था जो कॉटन था वो कौन सा फाइबर था वो सेलुलोज फाइबर था और ये जो है ये आपका कौन सा है प्रोटीन फाइबर प्रोटीन फाइबर क्यों है क्योंकि ये एनिमल से निकलता है जो सिल्क होता है वो आपका एनिमल से निकलता है एनिमल से जितने भी आपके फाइबर आते हैं वो आप कह सकते हो कि प्रोटीन से बने होते हैं ठीक है थीके? प्रोड्यूस करता है वो कौन सा था वो आपका बहुत छोटे छोटे फाइबर होते हैं कॉटन के और उसको हम ऐड कर करके क्या करते हैं लंबा करते जाते हैं बनाते जाते और जो फिलामेंट्स फाइबर होते हैं ये ऑलरेडी आपके बहुत लंबे होते हैं इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फैब्रिक बनाने के लिए कोई भी आप फैब्रिक बनाने के लिए डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो समझ में आया ना इतना वेरी गुड मॉर्निंग बहुत लेट आए बेटा ठीक है तो इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फिलामेंट फाइबर्स को डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं कपड़े बनाने के लिए गार्मेंट्स बनाने के लिए अब मैन्युफैक्चर कैसे होता है सिल्क बहुत ही लंबी कहानी है सिल्क जो होता है वो आपका मैन्युफैक्चर इस तरीके से होता है देखो ये सबसे पहले जो मीन्स की जो आपकी बटरफ्लाई होती है जिसको आप मौत करते हो ये क्या करती है एग देती है ठीक है ये क्या करती है की एग देती देती है 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 सिल्क बॉम और लार्वा ठीक ये एग जो हो गए वो आपके सिल्क बॉम और लार्वा के फॉर्म में हो गए जो सिल्क बॉम होते हैं वो क्या करते हैं ईट करते हैं जितने भी आपके सैतूत के पत्ते होते हैं जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो मालवेरी लीव्स ठीक है सैतूत के पत्ते को खाते हैं धीरे धीरे और इनका साइज बड़ा होता जाता है बड़ा होता जाता है सैतूत के पत्ते खा खा के फोर टाइम्स जो इनकी बॉडी जैसे ये इनकी बॉडी है अब इससे चार चार गुना चार लेयर जो होती है ऐसे ऐसे है बना लेते हैं ठीक ऐसे ऐसे करके फोर लेयर्स क्या करते हैं बना लेते हैं अपने आसपास अपने प्रोटेक्शन के लिए जिसको क्या बोलते हैं मोल्टिंग बोलते हैं अपने आसपास इन्होंने क्या किया एक लेयर बना ली चार लेयर अब ये जो कोकन थे ना इन्होंने क्या किया ये कोकन के रूप शेप ले लिया इन्होंने अब हम क्या करेंगे मीन्स इन्हीं कोकन को जब ये मौत में डेवलप होने वाले होंगे बटरफ्लाई में डेवलप होने वाले होते हैं उससे पहले ही जो आपके सिल्क फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं इकट्ठा कर लेते हैं सारे कोकन को ठीक है सबको इकट्ठा कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं इससे बनाते हैं फाइबर्स बनाते हैं थ्रेड बनाते हैं सिल्क थ्रेड बनाते हैं ठीक है सारी चीजें प्रोसेस करते हैं अभी मैं प्रोसेस भी आपको बताऊंगी इस तरीके से इसका उत्पादन होता है अब बात करते हैं जो आपका सैरी कल्चर होता है मतलब रेसम का उत्पादन अच्छा टाइम चेंज कर दीजिए अच्छा जल्दी से मुझे बताओ आप सब कि कौन सा टाइम अच्छा रहेगा सभी लोग बताएं और मेजोरिटी ऑफ लोग जो जिस टाइम को बताएंगे हम उसी टाइम पे करेंगे बिल्कुल शीलू मेजोरिटी ऑफ बच्चे जिस टाइम को प्रिफर करेंगे हम उसी टाइम पे क्लास रखेंगे तो सेकल्चर क्या होता है जैसे कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ठीक है प्रोड्यूसिंग अ सिल्क फिलामेंट जिसको सेरिकल्चर बोलते हैं सिल्क फिलामेंट बनाने को सैरिकल्चर बोलते हैं मतलब ठीक है इस चीज को जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो आपके एग होते हैं वो आपके लार्वा में बदल जाते हैं ठीक है एग जो होते हैं वो लार्वा में बदल जाते हैं जो रेसम आपके सिल्क वॉर्म होते हैं कैटरपिलर स्टेज में आते हैं और मालवेरी के पत्ते खाते हैं मतलब सैतूत के पत्ते को खाते हैं और ये जो कोकन होते हैं ये अपने आसपास प्रोटेक्शन की लेयर बना लेते हैं ठीक है थीके? और यही प्रोटेक्शन की लेयर जो होती है वो आपकी धागे के रूप में बनती है ओके तो हम बात करते हैं कि सिल्क रीलिंग क्या होती है सिल्क रीलिंग जो होती है जैसे कि हम सब देखते हैं कि सिल्क रीलिंग एक तरह से आपके कुकुन के द्वारा इकट्ठा किया गया ठीक है वो सारी चीजें होती है वो सिल्क होता है जो भी हमने क्या किया कुन को क्या किया उसको हॉट वाटर में हम डाल देते हैं ताकि वो मीन्स की नरम हो जाए नरम होके अपना कह सकते हैं कि जो पूरा रेसा है जिसने इकट्ठा किया है जो लेयर वो छोड़ दे उसके द्वारा हम क्या करते हैं पूरा रेशम का निर्माण करते हैं ठीक है सो स कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ब्रश फिलामेंट होता है वो स्नान से गुजरता है हम क्या करते हैं उसको पानी के अंदर डाल देते हैं हॉट वाटर के अंदर डाल देते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए सिलगम ठीक है जिसको क्या बोलते है? किन बोलते हैं हैं तो ये रिलीज कर दे ये टाइम सही है अच्छा इसीलिए एक्चुअली कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों को ये टाइम सही लगता है कुछ बच्चों को वो टाइम रीलिंग क्या होता है रीलिंग आपकी ऐसी प्रोसेस होती है जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कुकुन से ठीक है फिलामेंट्स निकाल रहे हैं कुकुन से हम क्या कर रहे हैं रेसे निकाल रहे हैं जो कुकुन ने इकट्ठा किया था, था ना चार लेयर अपने आसपास हम क्या कर रहे हैं उससे ले रहे हैं उसको क्या बोलते हैं रीलिंग बोलते हैं ये रहा रीलिंग क्या बोलते हैं जो कुकुन ने अपने आसपास चार लेयर बनाई थी हम उससे उसकी लेयर ले ले रहे हैं उसको रीलिंग बोलते हैं रेशम आपका मीन्स की सिल्क थ्रोइंग क्या होता है तो सिल्क थ्रोइंग आपकी ऐसी चीज होती है कि रेशम के धागों ठीक है के साथ घूमना और रेशम को कह सकते हैं कि ठीक है फेंकना कहलाता है मीन्स की रेशम को क्या करना एक तरह से आपस में जोड़ के रखना और ये मीन्स कि एक तरह से हम क्या करते हैं ट्विस्ट करके रखते हैं ताकि जो है उसको घुमाया जा सके उसको अच्छे से रखा जा सके और रेशम जो होता है उसमें कह सकते हैं 80 परसेंट जो होती है वो आपकी प्रोटीन होती है रेशम में 80 परसेंट जो होता है वो आपका प्रोटीन होता है 80 परसेंट सोचो क्यों क्योंकि ये तो प्रोटीन से ही बना होता है ना जितने भी आपके एनिमल से जो आपके फाइबर्स निकलते हैं वो प्रोटीन से ही बने होते हैं और 20 परसेंट जो होता है वो आपका क्या होता है सैरिकीन होता है ठीक है मीन्स ट्वेंटी परसेंट हम बात करें तो सेकिन होता है आपका ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ठीक है और हम क्या करते हैं जितना भी मीन्स की डिगिंग रेशम हो गया धागे या कपड़े ठीक है कपड़ों को गर्म मीन्स साबुन में उबाल कर ठीक है जो आपके गर्म मीन्स की साबुन वाला पानी होता है उसमें हम क्या करते हैं उबाल कर देते हैं जिससे जो आपका सेशन होता है ना उसकी जितनी भी अशुद्धियां होती है मतलब जितना भी आपका इन्फेक्शन वगैरह होता है जो आपका वो चला जाता है जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है वो चली जाती है और उससे आपके सिल्क पे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है उसको हम क्या करते हैं पानी वाले मीन्स साबुन वाले पानी में डाल देते हैं ठीक है जो भी सिल्क हमने क्या किया इकट्ठा किया फैब्रिक इकट्ठा किया पानी में डाल देते हैं उसके बाद इतना समझ में आया। किसी को कोई दिक्कत और कुकुन को तो हम हॉट वाटर में डाल देते हैं जितना भी गर्म पानी होता है उसमें डाल देते हैं तो वो अपना फिलामेंट छोड़ देता है उसके बाद की बात मैंने बताई कैटरपिलर बिल्कुल मंजू ठीक है आप सही कह रहे हो अब बात करते हैं वेट कैसे करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है उसका भार हम कैसे देखते हैं तो मीन्स कि जो आपका भार होता है हम मान के चलते हैं कि जो आपका हमने क्या किया डिगमिंग किया ठीक है हमने क्या किया लास्ट में जो आपका डिगमिंग था ये क्या था कि इसमें जो 80 परसेंट आपका प्रोटीन था और 20 परसेंट क्या था सरिकिन था तो हम क्या किया हमने जो भी फाइबर मिला हमें ठीक है जो भी सिल्क का धागा मिला या फैब्रिक मिला उसको हमने गर्म पानी में डाल दिया और गर्म पानी में डालने के बाद जितनी भी आपकी गंदगी थी वो निकल गई और आपके सिल्क को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो उसको बोलते हैं रेशम ठीक है ये आपका डिगमिंग उसके बाद जब मीट डिगमिग के बाद आपका जो वेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है क्यों रिड्यूस हो जाता है कम हो जाता है क्योंकि इम्प्योरिटीज निकल गई कुछ गंदगी जो थी जो आपका वेट बढ़ा रही थी वो निकल गई तो वेट तो आपका कम हो जाएगा ठीक है अब उसके बाद हम क्या करते हैं फिनिशिंग करते हैं फिनिशिंग प्रोसेस करते हैं ठीक है जो उससे वेट उसका गेन हो मतलब उसका वेट जो है वो थोड़ा सा बढ़े तो हम क्या करते हैं फिनिशिंग करते हैं ठीक है फिनिशिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं वेटिंग बोलते हैं वेट करना ठीक है उसको वेट देना एक फिनिशिंग देते हैं ताकि उसका जो थोड़ा सा वेट है वो इंक्रीज हो जैसे कि हम क्या करते हैं फिनिशिंग में आपके मेटेलिक सॉल्ट हो गए जिसको हम क्या बोलते हैं आपके जितने भी मेटेलिक सॉल्ट हो गए या स्टनस कर सकते हैं क्लोराइड हो गया यूज करते हैं वेट बढ़ाने के लिए या कलर मीन सिल्क हो गया ठीक है ये सब क्या होता है ये सब ड्यूरिंग द डाई प्रोसेस जब हम उसको डाई करते हैं तब करते हैं रंगाई की प्रक्रिया के दौरान करते हैं ताकि जो उसको वेट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो सके जितना केमिकल की वजह से डिक्रीज हुआ था उतना इंक्रीज हो सके तो ये सारी चीजें हम करते हैं समझ में आया ना कि वेटिंग क्या होता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और टर्मिनोलॉजी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन होता है अच्छा अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिल्क कितने टाइप्स के सिल्क होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है सबसे बड़ी बात यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो क्वेश्चन ठीक है अब पहला जो सिल्क का टाइप होता है वो क्या होता है कल्टीवेटेड सिल्क मतलब आप क्या कर रहे हो खेती कर रहे हो सिल्क की ठीक है आप क्या कर रहे हो आप खेती कर रहे हो सिल्क की अब खेती किस तरह से करते हैं जैसे कि जो हमारा रेशम होता है ठीक है हम क्या कर रहे हैं सिल्क को कुकुन के द्वारा इकट्ठा कर रहे हैं जो भी आपके मीन्स की कुकुन है ठीक है सिल्क बॉम्ब जो होते हैं उनसे हम क्या कर रहे हैं ले रहे हैं उनका कल्टीवेशन कर रहे हैं जिसको सेरिकल्चर बोलते हो ना आप क्या करते हो मालवेरी के पत्ते उनको खिलाते हो खिलाते हो फिर वो अपने आसपास जो होती है वो चार लेयर बना लेते हैं ठीक है फिर उन्हीं लेयर को हम उनसे वापस ले लेते हैं बटरफ्लाई बनने से पहले तो इस तरह से हम पूरी प्रोसेस करते हैं ना तो उसको बोलते हैं कल्टीवेटेड सिल्क कई बार हम लैब में भी बनाते हैं ठीक है जो मीन्स कि लार्वा हो जाते हैं उसको हम लैब में ले जाके जैसे जोलॉजी का एक प्रैक्टिकल होता है तो उसमें जो बच्चे जुड़े रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो आपके मालवेरी के पत्ते होते हैं ना सैतूत के पत्ते उसको लैब में ले आते हैं और लार्वा को भी लैब में ले आते हैं ठीक है क्योंकि बाहर इतना हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते ना उनको प्रॉपर कंडीशन देखे तो लैब में ले आते हैं और उनको पत्ते खिलाते रहते हैं खिलाते रहते हैं फिर वो अपने आस जो होती है वो लेयर बना लेते हैं सब कुछ आंखों के सामने चलता रहता है ठीक है वो अपने आस हम देखते हैं फर्स्ट डे में क्या हो रहा है सेकेंड डे में क्या हो रहा है थर्ड में क्या हो रहा है तो ये जोलॉजी में भी एक प्रैक्टिकल होता है तो इसके बाद वो अपने आसपास लेयर बना लेते हैं उसके बाद हम इसको आगे प्रोसीड किया जाता है तो कल्टिवेटेड वही होता है जो आप उगा रहे हो चाहे आप मतलब लैब में कर रहे हो चाहे आप पेड़ लगा के अपने आसपास बगीचे में खेती कर रहे हो इनकी अच्छा वाइल्ड सिल्क क्या होता है जो जंगलों में आपको बिना आपके कल्टीवेशन बिना खेती किए गए जैसे जो आपके पत्ते हो गए ना तोश के पत्ते या तुषार सिल्क ठीक है इनके मीन्स के जो पेड़ होते हैं उन पे आपको देखने को मिल जाता है ठीक है ये वाइल्ड इनको कोई खेती नहीं करता ये जंगल में आपके पाए जाते हैं प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं नेचुरल तौर पे पाए जाते हैं इनको हम मतलब खेती नहीं करते ये आपके नेचुरल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो सिल्क होता है ये आपके लेस्टेरियस नहीं होते हैं ये जो जंगल के सिल्क होते हैं मींस ये आपके लेस्टेरियस नहीं होते हैं आप इसको मान के चलो ठीक है जो वाइल्ड सिल्क होते हैं वो क्या नहीं होते हैं ठीक है कौन से प्राप्त होता है और मीन्स की ये आपके ठीक है रेशम जो होते हैं वो आप कह सकते हो रेशम की तरह चमकदार नहीं होते हैं रेशम के कीड़ों को कौन से प्राप्त होता है हालांकि रेशम जो होते हैं वो सर्वाधिक आपके चमकदार नहीं होते लस्टीरियस नहीं होते जितने आपके कल्टीवेटेड सिल्क होते हैं ठीक है जो आपके कल्टीवेटेड सिल्क होते हैं वो ज्यादा चमकदार होते हैं ज्यादा लस्टीरियस होते हैं और जो आपके वाइल्ड सिल्क होते हैं ना वो ज्यादा लस्टीरियस नहीं होते चमकदार नहीं होते जितना आपके जैसे आप खेती कर रहे हो तो वो ज्यादा अच्छा हो तो हम लोग खेती करना प्रिफर करते हैं ठीक है इसकी मोस्ट ऑफ द जगह आप देखते हो कि कल्टीवेशन किया जाता है अच्छा ठीक है रॉ सिल्क क्या होता है रॉ सिल्क एक तरह से आप कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द जो मीन्स कच्चा रेशम होता है वो क्या होता है जैसे जो कच्चे चरण होते हैं ना आपका सैरिसिन होता है तो ये जो होता है वो लोकप्रिय होता है किसके लिए ठीक है सिल्क इन कह सकते हैं कि दगम जैसे कि हमने देखा ना कि जो आपका सिल्क था वो कितने परसेंट प्रोटीन से मिलके बना था आपका 80 परसेंट प्रोटीन से मिलके बना था ये देख सकते हो आप 80 परसेंट प्रोटीन से मिलके बना था और 20 परसेंट जो था वो सैरिसिन से मिलके बना था तो ये प्राइमरी स्टेज थी ना जो आपकी डिगमिंग होती है इसमें हम सब जानते हैं जो फिलाेंट आपने लिया सिल्क का जो धागा लिया उसमें आपका अस्सी प्रोटीन था और आपका ट्वेंटी जो था वो क्या था सैरिसिन था तो इस तरह से ठीक है तो इसमें भी यही बताया गया है आपका ये रहा ठीक है रॉ सिल्क जो होता है वो आपका सेरिसिन जो होता है वो पॉपुलर होता है रॉ स्टेज में ठीक है सिल्क इन गम उसके बाद बात करते हैं जो आपके डोपिन रेसम होते हैं वो क्या होते हैं ये दो रेशम जो होते हैं मीन्स की आप कह सकते हो कीड़ों से प्राप्त होते हैं जो भी मीन्स की आपके दो रेसम होते हैं ठीक है ऑप्टेन होते हैं टू सिल्क बॉम से मिलते हैं दो सिल्क बॉम्ब से मिलते हैं जिसको क्या बोलते हैं डोपिन सिल्क बोलते हैं नाम में जाहिर हो रहा होगा डोपिन मतलब दो सिल्क बॉम से प्राप्त होते हैं ये मीन्स कि जो आपके कुक्कुन होते हैं वो एक साथ बनाते हैं दो आपके सिल्क वॉर्म जो होते हैं जिनको आप कुकुन बोलते हो जो फॉर्म करते हैं ना अपने आसपास चारों घेरा ये दोनों एक साथ फॉर्मेशन करते हैं सिल्क का इस तरह से इनको क्या बोलते हैं कुकुन बोलते हैं और इसमें चमक जो होती है वो बहुत अच्छी होती है गुड अमाउंट ऑफ लस्टर देखने को मिलता है हमें चमक देखने को मिलती है इस सिल्क में तो ये भी अच्छा सिल्क होता है वेरी गुड शीलू वेरी गुड अच्छा प्रॉपर्टीज क्या होती है सिल्क की ये भी बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है चमक सबसे पहली बात लस्टर सिल्क कितना चमकता है ना आप सिल्क की साड़ी पहनो कितनी सुंदर लगती है ना सिल्क की साड़ी ऐसे बहुत और जो नॉर्मली लोग अवेयर नहीं होते सारी सिल्क की साड़ियां सिल्क की साड़ियां नहीं होती आजकल आर्टिफिशियल सिल्क भी हम क्या करते हैं मार्केट में लेके आते हैं ठीक है सो लस्टर जो हो गया चमक जो हो गई मीन्स हाईली कह सकते हैं लस्टेरियस फाइबर होता है सिल्क के अंदर नेचुरल फाइबर ठीक है जो मीन्स वाइल्ड सिल्क होता है वो आपका लस्टीरियस नहीं होता है मैंने बताया था ना कि जो जंगली सिल्क होते हैं वो आपके चमकदार बिल्कुल नहीं होते जो आपके कल्टीवेटेड सिल्क होते हैं जो मीन्स उगाए जाते हैं जिनकी खेती की जाती है वही सिल्क जो होते हैं वो चमकदार होते हैं ठीक है थेके? इस तरीके से तो आप ये डिफरेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में वाइल्ड और नेचुरल के बीच में स्ट्रक्चर कैसे होता है सिल्क का तो सिल्क का स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है सिल्क का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी होता है आपका ठीक है चमक होती है उसमें जो फिलामेंट होते हैं जो उसके धागे बहुत चमक होती है और इनरेगुलर इन डायमीटर होता है डायमीटर जो होता है वो इनरेगुलर होता है अनियमित होता है सिल्क जो होता है वो आपका ओनली नेचुरल फिलामेंट फाइबर होता है ये आर्टिफिशियल नहीं होता आपका ठीक है नेचुरल फिलामेंट फाइबर से बना होता है ये क्रिस्टलाइन होते हैं ठीक है और ट्वेंट से लेकर ट्वेंटी तक आपका एमबीएस होते हैं ठीक है अनाकार होते हैं अनुमान किया जाता है अच्छा ताकत क्या होती है स्ट्रेंथ की बात भी कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है रेशम जो होते हैं वो प्रोटीन के कह सकते हैं कि जो आपके होते हैं सिल्क फाइबर जो होते हैं, उनकी जो कह सकते हैं हाईली आपकी टेंसिटी होती है क्यों क्योंकि ये आपके प्रोटीन फाइबर होते हैं तो ये स्ट्रांग होते हैं सारे जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनसे ये बहुत मजबूत माने जाते हैं रेशम के जो फाइबर्स होते हैं जो हमने बर्तबाद किया ना सेलुलोज फाइबर जो प्लांट से मिला हमें जो कपास से मिला तो वो उसके कंपैरिजन अगर आप करो तो इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होती है किसमें सिल्क के फाइबर में क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जाता है और इसमें सेलुलोज पाया जाता है प्रोटीन तो ऐसे भी अगर ह्यूमन के अंदर है तो मसल बिल्डिंग का काम करता है ना तो इसी तरह से आप इसमें भी समझ लो ठीक है ये क्या आपके स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होते हैं और इसमें हम मानते हैं कि जैसे जो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो आपकी अच्छी ताकत के लिए जिम्मेदार होती है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए होती है जो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपके कपड़े को ठीक है जो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ देता है ताकत देता है जो आपका कपड़ा होता है बस इतना ही बाकी हम कल टॉपिक में डिस्कस करते हैं बहुत ही छोटी सी क्लास थी और आई होप कि आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी हो अगर इंटरेस्टिंग लगी हो तो कल भी आप टाइम से आना डेली हम कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल हम सबसे टफ यूनिट जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं टेक्सटाइल कवर कर रहे हैं इस, इसको पढ़ेंगे उसके बाद हम दूसरी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट कल मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आऊंगी कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है यूजीसी नेट में किस तरह के क्वेश्चन आपके टेक्सटाइल से पूछे जा रहे हैं ताकि उस उसपे भी हम कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट कर सकें ताकि आप बहुत अच्छे नंबर लेके

ठीक है मेरे साथ ताकि आप अपना ठीक है अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो पेड क्लासेस तो आप फ्री क्लासेस में भी अपना नेट जी क्लियर कर लोगे बस आपको हार्डवर्क करना है बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी है बिल्कुल समय देना है अपनी पढ़ाई को क्योंकि आप ही हो जो अपना सपना पूरा कर सकते हो ठीक है अगर आपका सपना पूरा होगा तो मेरा भी सपना पूरा होगा ठीक है मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी सो ठीक है आपको भी नहीं होती क्योंकि टीचर जो पढ़ाता है उसे सबसे ज्यादा खुशी होती है जब उसके स्टूडेंट जो होते हैं वो कहीं पे प्रोफेस होते होते हैं हैं कहीं पे होते हैं, रिसर्च, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है 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 ठीक ठीक अच्छे तरीके से पढ़ाई करो 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 और एक पैसेज भी आप, एक भी करते रहो आप अब मोटा मोटा दो महीने रह गए आपके एग्जाम में ठीक है ओनली टू मंथ रह गए आप अगर देखो दो महीने रह गए आपके एग्जाम में ठीक है सिक्सटी डेज अगर आप मान के चलो बाकी इंक्लूड ना करो जून को जून में कुछ भी इंक्लूड मत करो ठीक है दो महीने आप इंक्लूड करके चलो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो जितना कॉन्सेप्ट हो सके जिससे समझ में आए उससे पढ़ो और डेली क्लासेस में आओ ठीक है और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बाकी के टॉपिक्स हम कल की क्लास में कवर करेंगे ठीक है आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू थैंक यू बाकी टाइमिंग अगर आपको चेंज करना हो ठीक है अगर टाइमिंग का कोई इशू हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में सेशन के बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर टाइमिंग का मैं सोचूंगी अगर ज्यादा बच्चों को टाइमिंग की दिक्कत होगी तो मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगी टाइम ठीक है क्योंकि आप प्रायोरिटी हो मेरी अगर आपको क्लास में आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं सोचूंगी कि मैं थोड़ा सा टाइम आपके लिए चेंज कर सकती हूँ ठीक है थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच